मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैन मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज से भेंट कर उनके पैर पखारे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जैन मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने आया हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडी गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। नीतीश कुमार ने भी कहा है, कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की है और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। इसी परंपरा को कमलनाथ निभा रहे हैं, वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं। उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। दिग्विजय अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं। इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बिखर गया है। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी है। उसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं, वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। दिग्विजय जी अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छैनू की जोड़ी दोनों अपने अपने मोहल्ले में कब्जे के लिए लड़ते थे। ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। और पर्दे के पीछे इंडी गठबंधन तो बिखर ही गया है, कांग्रेस भी बिखर रही है और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं, अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छैनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पर कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।